एक समय था जब शुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया, लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। आज उस तपस्या का परिणाम हम सब देख रहे हैं। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। साथियों, अब से कुछ देर पहले ही मैंने ओडिशा के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इन योजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, दो दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी। हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। और आप ये भलीभांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल चुका है। इसमें से 25 लाख लाभार्थी परिवार ये हमारे उड़ीसा के ही हैं, जिन लोगों को अब तक पीएम आवास योजना के घर नहीं मिल पाए, उनकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इस बजट में गरीबों के लिए 2 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की गई है। आप अपने इलाके में कोई भी गरीब परिवार अगर पक्के घर में नहीं रह रहा है तो जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे, आपको पक्का घर देंगे, इसकी गारंटी देके गए हैं।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।